Morning class, let's continue our topic stats and today we will discuss a new topic is means ओजाइव. ओजाइव इसको हम ओजाइव भी कहते हैं, कुछ लोग इसे ओगिब भी कहते हैं, हम ओजाइव कर रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजाइव? ओजाइव इज अ फ्री हैंड कर्व, ओके. एंड जो कि जब हम फ्री हैंड बनाते हैं तो इस फ्री हैंड से एक फ्रेम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. ओजाइव इज अ फ्री हैंड कर्व एंड विच इज जिससे जनरेट होता है उसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. तो ओजाइव का दूसरा नाम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. एक्चुअल में ओजाइव जो था वो इसको ड्राइव किया गया ओगी वर्ड से. इसका मीनिंग होता है कि इससे जो कर्व बनाएंगे वो या तो एक कॉनकेव आर्क बनेगा या एक कॉन्वेक्स आर्क बनेगा. कॉनकेव मीन्स दिस वन एंड दिस वन. तो ये कुछ ऐसा एस शेप का बनते हुए जाता है, ओके. जो भी हम ओजाइव बनाएंगे इसमें हम स्केल का यूज़ नहीं करेंगे. सपोज टू डॉट्स हैं तो उसको हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट ज्वाइन फ्री हैंड से. एंड जो ये कर्व बनेगा दिस इज नोन एज ओजाइव. इसी को ये हम फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, क्लियर. सो नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा लेस देन ओजाइव. ओजाइव का मीनिंग समझ आ गया फ्री हैंड कर्व. ड्रा लेस देन ओजाइव फाइंड द मीडियन. अब ओजाइव को टू टाइप्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक तो आता है लेस देन कर्व, एक आता है आपका मोर देन का. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में जरूर आता है 100%, ठीक है. सी तो यहाँ पर पूछा गया है लेस देन ओजाइव. तो आपने क्लास प्रीवियस लेक्चर में वहाँ पर आपने सीखा था 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, दिस इज़ अ क्लास इंटरवल. और जब आपसे मीडियन पूछने कहा जाता था तो आप एन अपॉन टू उसमें सी एफ फाइन करते थे. यस और नो? सी एफ इज़ अ कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी. जब सी एफ आएगा तो सी एफ के साथ में जो भी चीज़ वर्ड आती है वो या तो लेस देन के लिए यूज की जाती है या मोर देन के लिए यूज आती है. इट मीन्स क्या है इसमें कि आपका क्लास इंटरवल गिवन होगा, उस क्लास इंटरवल को या तो आपको लेस देन में चेंज करना है या आपको मोर देन में क्वेश्चन चेंज करना है. किस में करना है वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि लेस देन है तो लेस देन में चेंज करना है, मोर देन है तो मोर देन में चेंज करना है. सी सपोज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन वो फर्स्ट है, मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो नाउ हेयर द क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. फर्स्ट ये एक्सक्लूसिव सीरीज में है, यस एक्सक्लूसिव में होना चाहिए. अगर इंक्लूसिव में है तो हम इसको 0.5 करके चेंज कर देंगे, ठीक है. सेकंड, अब इसके साथ में जो दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. अब क्वेश्चन ने कहा ड्रा द लेस देन ओजाइव. तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन. अगर मोर देन कहेगा तो हम लिख देंगे मोर देन, क्लियर. सी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि अगर आपके पास क्लास इंटरवल ऐसे लिखा हुआ है, वह कन्फ्यूजन जाते हैं कि हम भूल जाते हैं 0 to 10, तो लेस वर्ड किस में यूज करेंगे? लेस देन 0 बोलेंगे या लेस देन 10 बोलेंगे? लेस देन 0 तो नेक्स्ट कैटेगरी चली जाएगी इधर, तो लेस देन 10 में तो वैल्यू आएगी. मैंने कहा 7 स्टूडेंट्स हैं तो लेस देन 10 बोल जाएगा. इट मीन्स जो लेस देन वर्ड आता है वो कौन सी लिमिट के लिए यूज़ हो रहा है? अपर लिमिट के लिए यूज हो रहा है. तो नाउ तो लेस देन में 0 और 10 में किसको लेस कहा जाएगा? यस लेस देन 10. तो ये वाली टेबल फुल यहाँ आ जाएगी, लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड लेस देन 100, क्लियर. मोर देन अगर लिखा होता तो 0 और 10 में क्या बोलोगे? मोर देन. मोर देन 10 तो मोर देन 10 तो यहाँ आ गया, तो मोर देन में क्या आएगा? मोर देन 0. तो ये टेबल मोर देन के लिए हो जाती है. इट मीन्स लेस देन के लिए अपर लिमिट वाली वैल्यू आती है, मोर देन के लिए लोअर लिमिट वाली वैल्यू आती है, ओके. वन थिंग नेक्स्ट है, जैसे ही लेस देन आएगा तो उसके साथ जो आगे वैल्यू होती है वो क्या होती है?
क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम शॉर्टकट में CF भी लिख सकते हैं। क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने सीखा था मीडियन केस में फर्स्ट एज इट इज, ये इसमें ऐड हो गया 5/3, 8 में 4 ऐड किया 12 में 3, 15 में 3, 18 में 4, 22 में 7, 29 एंड 9, 38 एंड 7, 45 एंड 8, 53। एंड चेक करने का प्रोसेस है, जो इनका सम आएगा ना टोटल, वही लास्ट वैल्यू आनी चाहिए। ओके, तो आपने कैसे का क्वेश्चन दिया था, उससे आपने लेस देन लिखा है तो लेस देन लिख दिया, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड कर दी। क्लियर, टू वर्क हो गया है। अब हम ड्रा कर रहे हैं ओजाइव, ओजाइव इज अ कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कर्व। ओके सी, तो नाउ जो लेस देन की पार्ट्स होते हैं इसको हम एक्स कहते हैं। ओके ये एक्स पॉइंट है, एक्स एक्सिस का। और जो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है, कभी भी आप भूल जाएं तो फ्रिक्वेंसी एफ इसकी टेल लॉन्ग कर दीजिए, तो ये कौन सा एक्सेस आ गया आपका, वाई एक्सेस आ जाएगा। ओके सी, नोट डाउन, हैव अ लुक नाउ। तो जो फ्रिक्वेंसी की टेल लॉन्ग करी तो ये कौन सा एक्सेस हो गया, यस वाई एक्सेस। तो फ्रिक्वेंसी इट मीन्स लेस देन में कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, ये बनता है आपका वाई का पॉइंट। ओके तो नाउ अगर आपको एक टेबल और इंक्रीज करनी है तो कर सकते हैं आप यहाँ पर, इसकी कोई नीड्स नहीं है वैसे तो, बट ये थोड़ा इजी रहता है, मिस्टेक होने से बचा लेता है। ये आपका आ गया क्या पॉइंट, एक्स क्या हो गया 10.5 एक्स एंड वाई, नेक्स्ट पॉइंट 20.8, नेक्स्ट पॉइंट 30.12, नेक्स्ट पॉइंट 40.15, नेक्स्ट पॉइंट 50.18, नेक्स्ट पॉइंट 60.22, नेक्स्ट पॉइंट 70.29, नेक्स्ट 80.38, नेक्स्ट इज 90.45 एंड नेक्स्ट लास्ट इज 100.53। तो लेस देन एक्स फ्रिक्वेंसी वाई ना पॉइंट, अब इसको हम प्लॉट कर देंगे। ओके नाउ सी, एक्सिस जाके सी, वेरी इजी, 10 से 100 तक हैं तो हम मार्क कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड दिस इज एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है 53 है एंड मेन प्रॉब्लम होती है इन पॉइंट्स को प्लॉट करने में, ठीक है, जो आपके कम्युनिटिव आते हैं। तो यहाँ पर आप या तो 10 का गैप लीजिए या 5-5 कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है 10 के लिए। ओके तो नाउ 10 का हम मार्जिन ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, दिस इज वाई एक्सिस। ओके नाउ दिस इज जीरो, सो जीरो टू टेन। अब आ रहा है पॉइंट हमारा 10.5, सी 5 इनके बिटवीन में होगा, 10 होगा एक्स का पॉइंट, यस एंड 5 इसके बिटवीन में। तो ऐसे आप ये मैं डॉट बना डेस में आ रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है, सीधे पॉइंट प्लॉट करना है। एक्स जीरो 10, 5 इसके मिडल में आ गया। ओके पॉइंट को लास्ट में लिख देंगे हम, दिस इज 10, लास्ट में लिख देंगे हम डॉट बना रहे हैं। 20.8, दिस इज 20 एंड 5 से थोड़ा सा ऊपर अप होगा, 3 लाइंस अप 8, दिस इज 20.8। नेक्स्ट 30.12, 12 मीन्स 2 लाइंस 1 और 2, 10 से 2 लाइंस अप 30.1। ओके नेक्स्ट इज 40.15, 15 मीन्स इन मिडिल, तो दैट्स वाई दिस इज 40.15। नेक्स्ट इज 50.18, इट मीन्स 18
थ्री लाइन्स अब थोड़ा सा अप बन जाएगा ये। नेक्स्ट इज 50.80, नेक्स्ट इज 60.22, 60 दिस वन 22, 20 एंड टू लाइन्स अब आपको पॉइंट ही बनाना है। नेक्स्ट इज 70.29, 70 है 29, वन स्टेप डाउन। नेक्स्ट इज 80.38, 80 है 38, 35 मिडिल में होगा 35, थ्री लाइन्स अब। नेक्स्ट इज 90.45, 45 मिडिल में। नेक्स्ट इज 100.53, 50 से थ्री लाइन्स अब। अब ये डॉट्स आ गए, इन डॉट्स को आप फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट करने का कोई छोटा तो नहीं है। अब इसको हम फ्री हैंड से, स्केल से ज्वाइन नहीं करना है आपको, फ्री हैंड से। तो कोई कॉनकेव बन रहा है, कोई कॉन्वेक्स बन रहा है, आर्क बन रहा है, क्लियर। नाउ सो देन आफ्टर इसको हम यहाँ पर हम पॉइंट्स को, ये आपके ग्राफ में मेंशन ही होंगी लाइन, तो इसको ड्रा करने की कोई नीड्स नहीं है। पॉइंट्स को राइट कर देते हैं, दिस इज 10.5, दिस इज 20.8, दिस इज 30.12, दिस इज 40.15, दिस इज 50.18, दिस 60.22, दिस इज 70.29, दिस 80.38, एंड दिस इज 90.45, एंड दिस इज 100.53। सी ये जीरो से स्टार्ट है, इसको हम जीरो से ज्वाइन कर दे रहे हैं। ओके नाउ सी ये आपके फ्री हैंड कर्व आ गया। अब एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर लेस देन है, लेस देन किसका है, मार्क्स का। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज मार्क्स, और ये क्या है, फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके स्केल ओ क्लास, सो हम इसमें मीडियन फाइंड करना है, स्केल आपको लिख दिया गया है, स्केल भी लिखना कंपलसरी है। मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए एन की वैल्यू जो है, एन अपॉन टू निकालना जाता है, 53/2, इट मीन्स 26.5 ये आ गया। अब आप एक्स एक्सिस में देखेंगे 26.5 कहाँ पर आएगा, ये 25 आ गया, इससे एक लाइन, यहाँ से स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ओके स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, वो जहाँ पर आएगी तो उन पॉइंट को यहाँ पर स्केल से ज्वाइन कर देना, फिर इसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ से 26.5 को देखा, यहाँ पर ये क्या है 26.5, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा करी, इससे परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा किया, ये जो वैल्यू आएगी दिस इज नोन एज मीडियन। अब ये आपका 63 भी आ सकता है, 64 भी आ सकता है, 62 भी आ सकता है, सारे आंसर राइट हैं, 60-70 में वेरी करता है, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।